नमस्कार, NowBharatTimes.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों की बड़ी भीड़ है। एक सप्ताह में तीन बड़ी कार्रवाई हुई है और इन तीन कार्रवाइयों में तीन बड़े लोगों के घर बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। सबसे पहले बात रीवा जिले में एक उमरिया के भू सर्वेक्षण पदाधिकारी के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। संपत्ति के आकलन में करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था, जिसमें एक किलो की सोने की ईंट भी मिला था। इसके बाद मंगलवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भोपाल से NRHM के इंजीनियर ऋषभ जैन को गिरफ्तार किया। उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। अब आज मुरैना में नगर निगम के लेखपाल संतोष शर्मा के तीन ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम छापेमारी कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। घर से 8 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। अभी भी कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई मुरैना और ग्वालियर स्थित उनके ठिकानों पर चल रही है। बताया जा रहा है कि जिस घर में लोकायुक्त की टीम छापेमारी कर रही है वह घर ही करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेखपाल संतोष शर्मा मुरैना नगर निगम में ही बीते 10 सालों से जमे हुए हैं, लेकिन उनका कोई तबादला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि संतोष शर्मा के पहुंच राजनीति में अच्छी खासी है और इसकी वजह से वह लगातार एक ही जगह पर जमे हुए थे। लोकायुक्त की टीम पहले सुबह ही उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कुछ गहने और जेवरात भी बरामद हुए हैं। उनके पास से 3 कारें भी मिली हैं। इसके अलावे संतोष शर्मा के घर से लोकायुक्त के टीम को ट्रैक्टर भी मिले हैं। इसके साथ ही कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनमें यह साक्ष्य है कि उन्होंने और भी कई जगहों पर निवेश किया है। मुरैना के एक बैंक में उनका एक लॉकर भी मिला है जिसकी तलाशी लोकायुक्त की टीम ले रही है। इसके अलावे मुरैना के हाउसिंग बोर्ड में उनका घर है। उम्मीद है कि देर शाम लोकायुक्त की टीम इस पूरे मसले पर खुलासा करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों की बड़ी भीड़ है। आए दिन लोकायुक्त लोगों के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर अफसरों के ऊपर कार्रवाई की है। ऐसे तो आम तौर पर छोटे कर्मचारियों के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी होते रहती है। कुछ दिन पहले CBI ने भी FCI के एक क्लर्क के घर पर कार्रवाई की थी। वहां से भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसके बावजूद भी MP में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रहा है।